तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों? जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग को कस्टमाइज करने के लिए, आप बोल सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी को कस्टमाइज करने के लिए सैमसंग की तरफ से आपको एक ऐप मिलती है जिसका नाम है गुड लक ऐप। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसी के एक मॉड्यूल के नए अपडेट के बारे में जिसका नाम है वन हैंड ऑपरेशन ऐप। इसमें एक नया अपडेट आया, नए अपडेट के साथ क्या नए फीचर एड ऑन किए गए जिसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। बताते हैं दोस्तों आगे, मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के वन हैंड ऑपरेशन के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है, पहले तो आपको अपने मोबाइल के गुड लॉक वाली ऐप में चले जाना है। आपको तो आपको अपने मोबाइल की गुड लक वाली ऐप में जाना है। गुड लक की ऐप में जाने के बाद आप देखेंगे एक नए मॉड्यूल पे आपको अपडेट्स मिल रहा होगा वन हैंड ऑपरेशन ऐप्स पे। यहाँ पर आ जाएंगे, आपको नीचे देखेंगे यहाँ मिल भी रहा है। आप यहाँ पर जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे वो आपको ले जाएगा गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर पे जाने के बाद आप देखेंगे इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया है, 2 मार्च मतलब आज ही के दिन इस अपडेट को रोल आउट किया गया है, जिसका अपडेट साइज 6.42 MB है और इसका वर्जन नंबर 6.2.210 है। यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट में क्या नए चेंजेस किए गए हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन है कि वर्जन नंबर 6.2.21 में यहाँ पर एड टैप स्लाइडर ऑप्शन टू क्यूक टूल एक्शन पे, क्यूक टूल वाले ऑप्शन पे टैप स्लाइडर का एक ऑप्शन वहां पर एड ऑन किया गया है। साथ में एड फुल रोटेशन ऑप्शन टू रोटेट लेफ्ट राइट फोर टैबलेट्स, ये टैबलेट्स वालों के लिए, और उसके नीचे फिक्स टेक्स्ट मोड इशू फॉर फोल्ड मोबाइल्स फॉर क्यूक टूल्स थीम्स कलर इशूज और अदर स्टेबिलिटी अपलोड। अगर देखा जाए नॉर्मल यूजर के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये नॉर्मल मोबाइल्स यूजर के लिए यहाँ पर टैप स्लाइडर का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है और क्यूक टूल्स के अंदर जो थीम्स का इशू था उसको सॉल्व कर दिया गया है और अदर स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है। तो उसको कर लेते हैं अपडेट। अपडेट होने के बाद देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। अपडेट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो मेन फीचर ऐड एक एड ऑन किया गया है जिसका नाम है ऐड टैप स्लाइडर ऑप्शन टू क्यूक टूल्स ऑफ एक्शन के अंदर। अब इसको कैसे यूज करेंगे आगे बताने वाला हूँ। उसको यूज करने के लिए आपको पहले तो यहाँ जाना है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्यूक टूल्स वाले ऑप्शन में चले जाना है, जहां पर भी आपने क्यूक टूल्स को सेट कर रखा है आपको वहां जाना है। वहां जाने के बाद आपको सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर टैप स्लाइडर का ऑप्शन मिलेगा, आप देख रहे होंगे, आपको उसको इनेबल कर लेना है। अब इनेबल करने के बाद ये वर्क कैसे करेगा, अब मैं बाहर आ गया हूं। अब अगर आप यहां पर क्यूक टूल्स ऑप्शन को खोलेंगे तो आप डायरेक्ट टैप करके यहां पर वॉल्यूम को इंक्रीज और ये ब्राइटनेस को यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। इससे पहले अगर उस फीचर को ऑफ करेंगे तो ये काम नहीं करता था, उसके लिए आपको सिंपल यूं यूं करके ड्रैग करना पड़ता था तो जाके ये काम करता था। वो भी मैं बता देता हूँ कैसे। तो वापस मैं आ गया हूँ यहाँ पर, यहाँ मैं सेटिंग पे आया, मैंने क्यूक टूल्स को यहाँ पर टैप स्लाइडर को बंद कर दिया। अब मैं वापस आया तो आप देखेंगे अब ये यहाँ पर डायरेक्ट नहीं जा रहा। तो टैप स्लाइडर का यही यूज है। और तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ही नया फीचर एड ऑन किया गया था, एड टैप स्लाइडर ऑप्शन टू क्यूक टूल्स एक्शन। और अगर आपके पास टैबलेट मोबाइल है तो आपको फुल रोटेशन का ऑप्शन मिल जाएगा वहां पर, और अगर आपके पास फोल्ड मोबाइल है तो आपके पास DX मोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और साथ में क्यूक टूल्स को जो भी थीम्स का इशू था यहाँ पर रिजोल्व कर दिया गया है, साथ में और भी बग को फिक्स आउट किया गया है। दोस्तों यही नया अपडेट था। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, मैं उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरे कुछ कमी है तो हमें डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लिया करो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। यहां तक आपने मेरी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।